सबसे पहले बेटा आयुपैक, आयुपैक कम्स ऑन नियरली हाउ मेनी मार्क्स इन द बोर्ड। सर आप रिकॉर्ड कर रहे हो इसे? हाँ जी बेटा, कल वाला मिस हो गया था रिकॉर्ड करना, हाँ, लेकिन अभी आज सबसे पहले वही काम किया है। ओके सो बेटा, सबसे पहले हेलो एल्केन्स, हेलो एडीन्स का देखते हैं, ठीक है। हेलो एल्केन्स एंड एडीन्स में कैसे करते हैं, ओके। एंड देन मुझे आप लोगों को हाउ मेनी पीपल रिमेम्बर द प्रायोरिटी रूल। ये आर आई होगा तो इसे क्या कहते हैं, आर आई होगा तो क्या कहते हैं गाइस? यस, आई वांटेड टू बी अ दैट क्लास, ओके। इंस्टेड ऑफ इट बीइंग अ ओनली मी स्पीकिंग क्लास, आई वांटेड टू बी अ क्लास वेयर इन ऑल ऑफ अस आर स्पीकिंग। आर सी एल वुड बी ठीक है। एंड देन आवर आर बी आर परफेक्ट, ओके। एंड आर एफ फ्लोरो एल्किन परफेक्ट, ओके। सो फ्लोरो एल्किन ठीक है ना। एंड हमारा बेंजीन के साथ अगर कोई भी आ जाए तो दैट इज अ हेलो बेंजीन, ठीक है। सो इट इज अ ब्रोमो बेंजीन, क्लोरो बेंजीन, आयरो बेंजीन और फ्लोरो बेंजीन। तो उसके लिए मैं क्या लिख रहा हूँ, सिर्फ हेलो, ठीक है। सो दिस इज द बेसिक, ओके। उसके बाद से हमारे पास व्हाट इज द सेकेंड चैप्टर, सेकेंड चैप्टर का नाम क्या है बेटा? अल्कोहल्स, फिनॉल्स, इथर्स, राइट? गुड मॉर्निंग गाइस, वेक अप, गुड मॉर्निंग एवरीवन, लेट्स सी एवरीवन्स गुड मॉर्निंग, आई हैवंट हर्ड इट। गुड मॉर्निंग सर, अब आ रहा है ना, अब थोड़ा सा दम आ रहा है, नहीं तो सबके घर में फोन करके कहता हूँ कि इनको जल्दी से चाय वाय पिलाओ, अभी तक नींद में है, ठीक है। आर ओ एच अगर हुआ तो इट इज नोन एज एन अल्कोहल एंड द नेम इज एन एल्कनॉल, ठीक है। अगर बेंजीन के साथ आ गया तो आयुपैक, तो इसका आयुपैक तो क्या होता है, ओके, अगर लिखे तो कॉमन नेम में तो हम इसे फिनॉल भी लिख देते हैं, आयुपैक में क्या लिखते हैं, कौन बताएगा? बेंजोनॉल, या ओके। उसके बाद से इथर्स में गाइस, इथर्स में वी हैव एन आर ओ आर डैश एंड द नेम इज गिवन एज अल्कोक्सी, कौन बताएगा? Yes, alkoxy alkane, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इसमें जो alkoxy वाला पार्ट होता है, the alkoxy part is the short chain alkane, this is the short chain alkane, और ये जो alkane वाला पार्ट होता है that is the long chain carbon, ठीक है। इसीलिए R और R dash है, ठीक है। उसके बाद से हमारे पास क्या है, वी हैव आवर एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स, एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड इज द नेक्स्ट चैप्टर। अब ऑल इन ऑल ऑफ देम देयर इज वन थिंग कॉमन, द कॉमन थिंग इन ऑल ऑफ देम इज द कार्बोनिल ग्रुप, ठीक है। कार्बोनिल ग्रुप सब में कॉमन होता है, अगर कार्बोनिल ग्रुप के साथ H आ जाए, विद द कार्बोनिल ग्रुप इफ यू हैव एन एच देन इट इज एन एल्डिहाइड, ओके, एंड द नेम बिकम्स एल्केनल, ठीक है। और अगर हमारा दोनों साइड से एल्काइल ग्रुप आ गया, दोनों साइड से एल्काइल ग्रुप आ गया, देन इट इज अ कीटोन, देन इट इज एल्कनॉन, यस परफेक्ट। एंड अगर कार्बोनिल ग्रुप के साथ दूसरे साइड से हाइड्रोक्सिल ग्रुप आ गया देन इट इज अ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड इट इज नोन एज एन एल्कनोइक
एसिड, ठीक है। तो ये हो गया एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। और लास्ट वाला चैप्टर हमारा क्या है? द लास्ट चैप्टर इज अमीन्स। एग्जैक्टली, इसमें तीन टाइप के अमीन्स होते हैं, प्राइमरी अमीन्स, सेकेंडरी अमीन्स एंड यस, एक बंदे ने तो चाय पी लिया भाई, ठीक है। सो प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन्स, टर्शियरी अमीन्स, ओके। अब प्राइमरी अमीन्स में वी हैव एन आर एन एच टू, ठीक है। तो इसका नाम जो देते हैं दैट इज एन एल्केन अमीन, दैट इज एन एल्केन अमीन। और सेकेंडरी अमीन में, सेकेंडरी अमीन में क्या हो जाता है, आर एन एच के साथ एक और आर डैश आ जाता है, ठीक है। तो बेटा इसमें क्या हो जाता है, एल्केन अमीन तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है, एल्केन अमीन तो रहेगा ही रहेगा, उसके साथ क्या आ जाएगा, शॉर्टर एल्केन वाला जो चेन हो जाएगा उसे कहेंगे ए एन एल्काइल। सो दिस एल्काइल एज यू नो विल बी द शॉर्ट चेन, एल्केन विल बी द लॉन्ग चेन। और जो हमारा टर्शियरी अमीन है, टर्शियरी अमीन में ऑल द हाइड्रोजन्स गोज अवे एंड वी हैव अ डिफरेंट एल्काइल ग्रुप्स आउट हियर। सो इट विल बी रिटन एज व्हाट, एन एल्काइल, ओके आई रोट अ डबल एल, ओके एन एल्काइल, एन एल्काइल, ओके एल्केन अमीन। सो नाउ this is the basic, this is the basic of what we have in our IUPAC nomenclature, ठीक है। अब इसमें से कहीं पे किसी को, okay, क्या कहा बेटा आपने, ना ना ये बेटा, ये स्ट्रक्चर ऐसे हो जाएगा आपका CH3 CH के नीचे NH2 है और ये CH3 है, अब बताओ नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेन, बिल्कुल सही, टू अमीन, ठीक है ना। नेक्स्ट वाला अभिषेक के बाद से आकांक्षा, ये बेटा ये आपका वो वाला हो गया, ये सेकेंडरी अमीन है, ये देखना NH ही है, सिर्फ NH है, एक साइड से मिथाइल का ग्रुप है, एक साइड से इथाइल का ग्रुप है। तो अब इसको एल्काइल एल्केनामीन लिखते हैं, तो एन एल्काइल में आ जाएगा एन मिथाइल, ओके। और दूसरे साइड में दो कार्बन है तो इट विल कम एज इथेन अमीन, ओके। अब फिर से देखो बेटा, मैं इसका स्ट्रक्चर बना रहा हूं, क्या है, CH3 इधर से है, एक ही NH है, अगर एक H है तो बेटा इट इज अ सेकेंडरी अमीन। अभी अभी हमने डिस्कस किया था सेकेंडरी अमीन में नाम कैसे लिखते हैं, नाम लिखते हैं एन एल्काइल एल्केनामीन, ये नाम लिखते हैं, ओके। अब इस नाम में बेटा जो ये एल्काइल ग्रुप होता है वो क्या होता है, शॉर्ट चेन, द एल्काइल ग्रुप इज द शॉर्ट चेन, और ये जो एल्केन होता है दैट इज द लॉन्ग चेन। अब बेटा ये देखो, ये आपका शॉर्ट चेन है, ये आपका लॉन्ग चेन है, ठीक है। तो एन एल्काइल, एल्काइल में एक कार्बन का चेन है तो उसका नाम क्या हो जाएगा, एन मिथाइल हो गया, मिथाइल, मिथाइल, और इधर एग्जैक्टली अब आ गया। अब बेटा ये वाला टर्शियरी अमीन है, टर्शियरी अमीन का नाम कैसे लिखते हैं, एन एल्काइल, ओके अगर सारे एल्काइल ग्रुप्स अलग है, एन एल्काइल फिर से, ओके एल्केनामीन, ओके अगर दोनों एल्काइल के ग्रुप सेम है, दोनों एल्काइल के ग्रुप सेम है तो क्या लिखते हैं, एन कॉमा एन डाई एल्काइल एल्केनामीन, ठीक है। तो अगर आप देखोगे आपके पास क्या है, इसमें वी हैव यहां से CH3 है, यहां से CH3 है, यहां से CH3 है, तो लॉन्ग चेन में भी एक ही कार्बन है, ठीक है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा,
दोनों मिथाइल के ग्रुप है तो एन एन डाई। शाबाश, ठीक है। अब जिसको वो नहीं आया था, आ गया समझ में कि ये कैसे होगा? ये वाला आया बेटा? ये एन एन डाई मिथाइल वाला बेटा? ओके, वंस मोर आई विल मेक द स्ट्रक्चर इन अ न्यू पेज। सो लेट्स लुक एट इट। वी हैव बेटा मिथाइल का ग्रुप यहाँ पे, वी हैव नाइट्रोजन, वी हैव मिथाइल का ग्रुप यहाँ पे, वी हैव मिथाइल का ग्रुप यहाँ पे। अब हमें साफ दिख रहा है कि ये टर्शियरी अमीन है, ठीक है। टर्शियरी अमीन का नाम कैसे लिखते थे? एन छोटा चेन का एल्काइल, एन छोटा चेन का एल्काइल एंड एल्केनमीन, ऐसे लिखते थे, ठीक है। सो एल्कामीन, ठीक है। अब बेटा अब यहां पे ये देखो, ये ग्रुप क्या है? एक कार्बन है तो ये मिथाइल हो गया। हाँ जी बेटा, एल्केनमीन, ठीक है। ये भी मिथाइल हो गया, ये भी मिथाइल हो गया, और ये एक कार्बन का ही लॉन्ग चेन है तो ये एल्केन हो गया, ठीक है। तो अब नाम में क्या आ जाएगा? दोनों मिथाइल है तो एन एन लिखेंगे, डाई मिथाइल लिखेंगे, और एल्केन में भी मिथ ही है तो वो क्या हो जाएगा? मिथेन अमीन। हाँ, शॉर्ट चेन है, ठीक है, क्योंकि दोनों में। अब नेक्स्ट वाले में इट विल बिकम क्लियरर टू यू। नेक्स्ट वाला हमारे पास क्या है? दो सी टू एच फाइव है, उसके बाद से चार कार्बन का लॉन्ग चेन है। अब उसको लिखने का तरीका क्या हो जाएगा? ये हमारा सी टू एच फाइव यहां से आ गया, एन आ गया, यहां से बेटा सी टू एच फाइव आ गया, और हमारे पास यहाँ पे हमारा क्या है? लॉन्ग चेन है, सी एच टू सी एच टू सी एच टू सी एच थ्री। अब लेट्स लुक एट इट, ठीक है। ये हमारा एग्जैक्टली, ये हमारा शॉर्ट चेन हो गया इथाइल, ये हमारा शॉर्ट चेन हो गया इथाइल, और लॉन्ग चेन में कितने कार्बन का चेन है हमारा? इट इज अ फोर, सो इट इज ब्यूट, ठीक है। तो नाम क्या हो जाएगा? एन कॉमा एन डाई इथाइल, बिल्कुल सही, ब्यूटेनमीन। ओके, अब अगर यही क्वेश्चन में, यही क्वेश्चन में एक ट्विस्ट डाल दो, एक सी टू एच फाइव है, यहां पे सी थ्री एच सेवन कर दिया, और यहां पे हमारा सेम रहने दिया। अब अगेन द फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू डिसाइड इज द लॉन्ग चेन। सो दिस इज आवर लॉन्ग चेन ऑफ ब्यूट, दिस इज आवर शॉर्ट चेन ऑफ प्रॉप, दिस इज आवर शॉर्ट चेन ऑफ इथ। सो नाउ हाउ आर वी गोइंग टू राइट द नेम? एग्जैक्टली, अब आ गया सबको समझ में? एन इथाइल एन प्रोपाइल, ओके, एंड ब्यूटेन अमीन, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी राइट द नेम्स, ठीक है। अब उसके बाद वाला क्या था हमारे पास? उसके बाद वाला है, ओके, नहीं, दो साइड से NH2, अच्छा नहीं, पहले तो ये है डबल बॉन्ड वाला, NH2 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, NH2 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। ओके, नाउ हु गेट्स प्रायोरिटी? NH2, who gets priority? NH2, okay? अब बताए, कौन बताएगा इसका नाम? Yes, prop 2 पे in है, and आप ये 1 लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। अगर 1 नहीं लिखा है तो इसका मतलब it is understood that the amine is in the first position, okay? अब नेक्स्ट वाला था, इस साइड से NH2 है, फिर CH2, CH2 छह बार है,
ओके, और चार पांच छह, और इधर पे बेटा NH2 है, ठीक है। तो रूट नेम हमारा इसमें क्या हो जाएगा, रूट नेम हेक्स हो जाएगा, ठीक है। इधर पे भी एक अमीन है, प्राइमरी अमीन NH2 है, NH2 होते ही समझ जाना प्राइमरी अमीन है, इधर से भी प्राइमरी अमीन है। तो हु वांट्स टू टेल द नेम, या हेक्सेन 1.6-diamine, एग्जैक्टली हेक्सेन, ओके 1.6-diamine। अब वी टेंड टू फॉरगेट व्हेन वी कम फ्रॉम 11 टू 12, ये ई हमने यहाँ पे लिखा है क्योंकि यहाँ पे डी आ गया, प्रोपीन का ई नहीं लिखा था क्योंकि यहाँ पे ए आ गया, ओके ब्यूटेन के साथ ई नहीं लिखा था क्योंकि साथ में ए आ गया, बिकॉज रूल सेज व्हाट, नो टू वावल्स टुगेदर, परफेक्ट। दो वावल साथ में नहीं आ सकता, जैसे हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते, ब्यूटेन अमीन ऐसे नहीं लिख सकते, तो ये ई कट जाता है, ठीक है। लेकिन हेक्सेन डायमीन है तो ई के बाद डी आ रहा है, इसीलिए वी कैन राइट दिस ई, ओके। इन छोटी छोटी बातों पे भी एक नंबर कट जाता है। द नेक्स्ट वन इज द इजीएस्ट वन, इसका जनरली वी राइट द नेम एज व्हाट, इसका नेम इज ऑलवेज रिटन एज व्हाट, एनिलीन। बट अगर कहे कि आयु पैक ही बताओ तो इसका आयु पैक क्या होगा, यस बेंजीन। अब ई गया क्योंकि ए आ गया, बेंजीन अमीन, ओके। अब बेटा इसका आयु पैक बताए, इसका आयु पैक बताए, ये आपका आ गया यहाँ पे NH2 और यहाँ पे CH3, तो व्हाट विल बी इट्स नेम, एग्जैक्टली 2-methyl aniline या 2-methyl benzene amine, ठीक है। नाउ पीपल आर गेटिंग द हैंग ऑफ इट, आई होप सो, अगेन टू फॉर योर बेंजीन रिंग with an NH2 here and a BR here and benzene ring with an N and a CH3 and a CH3, okay, इन दोनों के नाम आपने बताने हैं। ओके, ठीक है ना, ये पांच बनेंगे। अब आप लोग देखे इसमें आपका क्या क्या आ गया, सबसे पहला तो प्राइमरी अमीन है, वी हैड टू क्लासिफाई इट आल्सो। सेकंड वन इज अ सेकेंडरी अमीन, ये भी सेकेंडरी अमीन है, ये भी सेकेंडरी अमीन है, और ये टर्शियरी अमीन है। पहले वाले का नाम कौन बताएगा, कैची बेटा, ओके। अभी इस ये फाइव करने के बाद वो भी स्ट्रक्चर करते हैं, ठीक है। सेकंड वाला क्या हो जाएगा, ब्यूटेन टू अमीन, ये बेटा NH2 है, सॉरी NH2 है तो प्राइमरी अमीन ही है, ठीक है, प्राइमरी अमीन ही है। अब सेकेंडरी अमीन आ गया, अब ये सेकेंडरी अमीन में बताना क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही, एन मिथाइल प्रोपेनामीन। अब नेक्स्ट वाला भी आपका इट इज व्हाट, परफेक्ट, सो इट इज एन एन इथाइल इथेनामीन, दोनों साइड में सेम नंबर ऑफ कार्बन थे तो इट इज बोथ इज इथ एन इथ ओनली, ओके। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट वाला क्या हो जाएगा, यहाँ परफेक्ट, एन एन डाई मिथाइल इथेनामीन, ओके। तेज बताएं एक और क्या बन सकता है बेटा, सर CH3,
CH3 and a branch CH3. हाँ बन सकता है. अब इसका नाम कौन बताएगा? दिस इज अ सेकेंडरी. ठीक है, सेकेंडरी अमीन है तो इसका कौन बताएगा? N-methyl isopropyl. ओके, बट आइसोप्रोपाइल कॉमन नेम हो गया. सही कहा है, ठीक है, आइसोप्रोपाइल ही है लेकिन कॉमन नेम हो गया तो हम इसे IUPAC में करेंगे. तो प्रोपेन 2-amine दो नंबर पे है. ये देखना, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, प्रोपेन 2-amine हो गया. ठीक है, तो अमीन के IUPAC सबको क्लियर है? ओके बेटा, कहाँ पे हो तेज? स्टार्टिंग से. अच्छा, स्टार्टिंग से कॉपी करना है. बट देन इट हैज एन NH2 तो यहाँ पे 2-methyl. फिर से देखना, लॉन्ग चेन डिसाइड करो पहले. सबसे पहले लॉन्ग चेन बेटा, 1, 2, 3. अब बताओ क्या नाम हो जाएगा? 2-methyl. Yes. 3 कार्बन का चेन हो गया ना बेटा. 3 कार्बन का चेन हो गया तो प्रॉप हो गया, एन हो गया. अमीन किस नंबर पे है? 2 नंबर पे है. तो स्ट्रक्चर को ओपन करके करना. ओके तेज, नेक्स्ट वन इज योर्स. ओके नेक्स्ट वन हमारा क्या है? पहले मैं स्ट्रक्चर बना दूं. CH3 है, फिर CH2 दो बार है और फिर NH2 है. ओके प्रोपेनामीन, दिस इज अ सिंपल प्रोपेनामीन, परफेक्ट. ओके देन वी गो टू स्मृति. स्मृति बेटा नेक्स्ट वाला आपके लिए. तो नेक्स्ट वाले में है, थर्ड में है हमारे पास, वी हैव अ CH3 NH CH CH3 ट्वाइस. ये तो अभी अभी जो हमने आइसोमर्स में किया था, डिट्टो सेम वाला है. ओके मिस गुप्ता, शिवम, एन मिथाइल, एक एक छोटा सा एडेड है शिवम, जल्दी से. यस एन मिथाइल. अगेन आई रिपीट गाइज, ओके प्लीज डोंट फील अफ्रेड टू यू नो मेक मिस्टेक्स, फील फ्री टू मेक मिस्टेक्स इन माई क्लास. ओके वी विल लर्न दैट वेज ओनली. फोर्थ, ओके फोर्थ प्रत्युष इज योर्स. वी हैव अ सी एंड वी हैव अ CH3. इफ यू कन्वर्ट इट इन टू अ स्ट्रक्चर एंड देन वी हैव द NH2. अब लॉन्ग चेन देखा जाए तो 3 कार्बन का लॉन्ग चेन, 1, 2, 3 अभी अभी किया था ये वाला भी. तो प्रत्युष क्या हो जाएगा इसका नाम? 2-methyl, एक एक छोटा सा एरर है, प्रोपेन 2-amine, दो नंबर पे अमीन है. शाबाश. ओके अब देन वी हैव द फोर्थ वन के बाद से द फिफ्थ वन, इब्राहिम. बेटा टर्ट क्या हो जाएगा? इट इज अ कॉमन नेम, IUPAC बोला है तो टर्ट नहीं लिख पाएंगे. ठीक है टर्ट, बिल्कुल सही आपने लिखा है. ठीक है लेकिन IUPAC में नहीं लिख पाएंगे. अ फिफ्थ इज वी हैव अ बेंजीन का रिंग. ओके बेंजीन के रिंग के साथ हमारे पास क्या है? NH and CH3. So Ibrahim, all your son. Meher? Sir, 2-methyl benzenamine. 2-methyl benzenamine, नहीं, छोटा सा, इसी को हमें ठीक करना है. N-methyl, ठीक है?
क्योंकि एन पे लगा है सी एच थ्री, ओके सेकेंडरी है, ओके बेंजीन अमीन, ओके सेकेंडरी है तो हमारा क्या हो जाएगा एन एल्काइल आ जाता है। उसके बाद से हमारे पास है नेक्स्ट वाला इज सिक्स्थ वाला, सिक्स्थ वाला गोज टू तनवीन, ओके सो सिक्स्थ वाले में हमारे पास क्या है सी एच थ्री सी एच टू ट्वाइस एन सी एच थ्री। अच्छा ये भी हम कर ही तो चुके हैं, सिक्स्थ वाला हमारे पास सी एच थ्री सी एच टू ट्वाइस है, तो मतलब ऐसे है ऐसे आ गया और उसके बाद से एक सी एच थ्री है, ओके सो तनवीन बताएं बेटा एन मिथाइल, परफेक्ट एन इथाइल। अब इसमें एक चीज को चेंज करना है, क्या चेंज करेंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर ई बिफोर एम, सो इसका नाम क्या हो जाएगा एन इथाइल एन मिथाइल इथेनमीन। ठीक है तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर का भी ध्यान रखना है, ओके नाउ what was the seventh one and the last one that would go to manveen, okay the seventh one was meta position pe bromine or nh2, so we have our seventh question hamare meta position pe bromine or nh2, ye to easy hai, haan ji beta iska naam kya ho jayega शाबाश थ्री ब्रोमो एनिलीन। ओके गाइज सो नाउ आवी एटलीस्ट 80% क्लियर विद द आयुपैक्स कि नेक्स्ट प्रैक्टिस करेंगे तो 100% पक्का हो जाएगा ऑफ अमीन्स। यस सर। नाउ सो लेट्स गो टू, हाँ जी बेटा सिक्स वाला नहीं आया बेटा, ये देखना सिर्फ एक एन है, सिर्फ एक एन का मतलब क्या होता है टर्शियरी होता है। अब ये बेटा इथ है, ये इथ है और ये मिथ है, तो लॉन्ग चेन पे किसे लेंगे बेटा, किसी भी एक इथ को ले लो तो ये नहीं बेटा, लॉन्ग चेन तो अमीन में जाएगा ना, लॉन्ग चेन एल्कन हम कैसे नाम लिखते थे टर्शियरी का एन एल्काइल एन एल्काइल एल्केनमीन, ऐसे नाम लिखते थे बेटा, ओके एल्केन में क्या आता था द लॉन्ग चेन, ठीक है और यहां पे क्या आएगा शॉर्ट चेन, सो इथ इज द लॉन्ग चेन, सो एक इथेनमीन तो यहां पे आ ही गया, एक इथेनमीन तो यहां पे आ ही गया। अब शॉर्ट चेन में ये इथाइल हो गया ये मिथाइल हो गया, अब हमें इसे कैसे लिखना होता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, तो हमारे पास एन इथाइल एन मिथाइल इथेनमीन। आ गया बेटा आप समझ में, शाबाश ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ अस, इसमें अभी जगह है ओके। अब वी आर एट हेलो एल्केन्स हेलो अरीन्स, ये तो वही है ये तो हमने कर लिया, ये नहीं चाहिए। सो हियर गोज योर क्वेश्चन फॉर हेलो एल्केन्स हेलो अरीन्स, drops right now, okay so we can build an ocean by the time the boats comes up, 1 2 3 4, okay so let's go ahead with I was at Mr. Harsh, Mr. Harsh kya naam ho jayega iska, sir 2-chloro-3-methyl-butadiene, bilkul sahi, so it is a 2-chloro-2-chloro 3-methyl butane, perfect, okay Harini the next one beta
नेक्स्ट वन में सबसे पहले आप लॉन्ग चेन चेक करें। लॉन्ग चेन बेटा यहां से शुरू होगा, 1, 2, 3, 4, 5 and 6। दिस इज द लॉन्ग चेन। ओके, सो व्हाट विल बी द नेम? बिल्कुल सही। एनीवन हैविंग अ प्रॉब्लम विद इट? कि ये क्या होगा, 3 क्लोरो, ठीक है, 4 नंबर पे मिथाइल एंड देन इट गोज ऑन टू बिकम अ हेक्सेन। एवरीवन फाइन विद इट? मैं बाकी ना ड्राइंग्स मिटा रहा हूं क्योंकि साथ में ही करना है तो साथ में ही कर लेंगे। अच्छा नीचे ही तो लिखना, ठीक है। ओके नाउ नेक्स्ट वन इज बेटा ये हो जाएगा कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4। ओके बिमल, एक नंबर पे आयोडो है, एक नंबर पे आयोडो है, टू डाइमिथाइल, बिल्कुल सही। उसके बाद से ब्यूटेन, परफेक्ट आंसर। ओके परफेक्ट। ओके आयुष नेक्स्ट वन बेटा, ये बेटा बेंजीन का रिंग है, ठीक है, ये बेंजीन का रिंग है, ये कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका नाम? सर 1 ब्रोमो, 3 डाइमिथाइल, 3 डाइमिथाइल फोर ब्यूटेन। मतलब आयु पैक हम सब के दिमाग से बिल्कुल ही भुस उड़ गया है। बेटा जब भी नाम लिखते हैं, जब भी नाम लिखते हैं ना, सबसे पहले आप रूट नेम पे जाओ। रूट नेम हमारा ब्यूट है। प्राइमरी सफिक्स पे जाओ, प्राइमरी सफिक्स सब में सिंगल बॉन्ड है तो एन है, ठीक है। अब इसमें कोई भी सेकेंडरी सफिक्स नहीं है तो ये ब्यूटेन हो गया। अब आप ब्रांचेस को देखो, एक नंबर पे फिनाइल है, 1 फिनाइल 1 ब्रोमो 3 डाइमिथाइल, एक ही पे ब्रोमो भी है, बिल्कुल सही, और तीन नंबर पे डाइमिथाइल है। अब नाम लिखेंगे जो हम प्रीफिक्स लिखते हैं, That goes according to what? Alphabetical order. तो B पहले, फिर M, फिर P. तो नाम क्या हो जाएगा? 1 ब्रोमो 2, 3, 3 डाइमिथाइल 1 फिनाइल, और लॉन्ग चेन में कितने हैं? तो ये हो गया इसका पूरा नाम। तो मैंने यही वाला छोड़ा था, ठीक है। अब आ गया गाइस समझ में ये वाला? यस सर। ओके एक बार मैं ना आई वांट टू इरेज एवरीथिंग सो दैट आपके लिए इजी हो जाए। एक ही जगह लिखता जाऊंगा, मिटाता भी जाऊंगा। मिट जा भाई। फिनाइल कौन सा पार्ट है? फिनाइल बेटा C6H5। C6H5 जब भी लिखा होगा तो वो क्या होगा बेटा? फिनाइल। ओके सो लेट्स इरेज ऑल दिस। आ गया ना ये समझ में? मिटा दूं? यस सर। ओके ये सारा मिटा रहा हूं सो दैट यू नो आई गेट स्पेस फॉर इट टू राइट एंड एज वी डू एवरी क्वेश्चन वील कीप ऑन इरेजिंग इट। ओके नाउ वी आर एट विच क्वेश्चन? द 7th वन। 7th The 6th one. The first thing, guys, that we should know. 5th one. Yes, sir. The first thing that we should know is how to make the structure. हमें दिया है CH3 के बाद CH, यानी कि यहां पे ब्रांच है, फिर दिया है CH और ब्रैकेट में BR, यानी कि BR भी ब्रांच में है, और उसके बाद से CH3 है। तो नाउ नेमिंग इट वुड बिकम वेरी वेरी इजी।
ओके आकांक्षा योर नंबर बेटा, एक दो तीन चार, सो व्हाट वुड बी द नेम? एग्जैक्टली, टू ब्रोमो, थ्री मिथाइल एंड इन द लॉन्ग चेन वी हैव फोर कार्बन्स, सो इट विल बिकम व्हाट? अ ब्यूटेन. ठीक है, सो फिफ्थ इज क्लियर टू एवरीवन? ओके, नाउ लेट्स लुक एट द सिक्स्थ वन. ओके, सिक्स्थ वन में हमारा क्या है? सिक्स्थ वन में वी हैव सी एच थ्री सी एंड सी टू एच फाइव ब्रैकेट में. ब्रैकेट में देखते ही आपको क्या याद आ जाना चाहिए कि वो किस चीज में होगा? ब्रांच में. ब्रांच में, ठीक है. तो लेट्स मेक इट नाउ. सो हमारे पास आ गया सिक्स्थ क्वेश्चन, सी एच थ्री है. ओके, उसके बाद से सी है, उसके बाद से सी टू एच फाइव है, और यहाँ पे भी सी टू एच फाइव है. फिर हमारे पास सी एच टू है और बी आर है. अब गाइस, लॉन्ग चेन डिसाइड करना है. अब कायदे से देखोगे तो लॉन्ग चेन यहां पे कार्बन नंबर वन, कार्बन नंबर टू, कार्बन नंबर थ्री, कार्बन नंबर फोर, कार्बन नंबर फाइव, ये लॉन्ग चेन है. लेकिन इसे लॉन्ग चेन नहीं लेंगे, हम लेंगे कार्बन नंबर वन, टू, थ्री और फोर, इसे लेंगे लॉन्ग चेन. कौन बताएगा कि क्यों पहले वाले को लॉन्ग चेन नहीं लिया, इसको लॉन्ग चेन लिया? एग्जैक्टली, द लॉन्ग चेन शुड हैव द फंक्शनल ग्रुप. अब ये हमारा लॉन्ग चेन डिसाइड हो गया. ठीक है, तो अभिषेक अब इसका नाम क्या देंगे? पहले मुझे बता दो कि ब्रांचेस में क्या क्या है. चार नंबर पे मुझे ब्रोमो दिख रहा है, ब्रोमो और इथाइल. तीन नंबर पे मिथाइल है और तीन नंबर पे इथाइल है. ठीक है, अब बेटा लॉन्ग चेन में कितने? हाँ, एक डाउट है. हाँ सर, ये स्टार्टिंग से नहीं हो सकता, मतलब CH2 पे जहाँ पे आपने फोर लिखा है वहाँ पे वन टू. हाँ, वही से ही वन होगा, उसी पे आ रहा था, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी मिलता है तो वो वन होना चाहिए. ठीक है, सो ये हमारा क्या हो जाएगा? कार्बन नंबर वन. ये हमारा हो जाएगा कार्बन नंबर टू, और ये भी हो जाएगा कार्बन नंबर टू. आप बताओ गाइस, नाम क्या होगा? अभिषेक, थ्री मिथाइल वन. अब सबसे पहले अल्फाबेटिकल ऑर्डर बेटा, वन ब्रोमो, थ्री, फोर नहीं लिखेंगे क्योंकि प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग छोटा नंबर किसे जाना चाहिए? फंक्शनल ग्रुप को. तो नंबरिंग ऐसे चलेगा. ठीक है, और फिर तीन ही नंबर पे क्या आ गया? मिथाइल. ठीक है, अब लॉन्ग चेन में चार कार्बन है तो द नेम इज ब्यूटेन. हाँ जी बेटा, एक दो, हाँ दो नंबर कार्बन. एग्जैक्टली, दो नंबर कार्बन है, टू इथाइल टू मिथाइल होगा. बिल्कुल सही. अब ये क्लियर है? लेकिन ना मैं थोड़े से ना शॉक में हूँ कि मेरे 12th वाले ना सारे भूल गए हैं IUPSC. मुझे लगा नहीं था इतना टाइम लगेगा IUPSC 12th के साथ करने में. ओके, अब हमारा 6th के बाद से हमारा 7th है. 7th में हमारे पास क्या बना है? 7th इज अ CH3. पहले CH3 बनाओ, फिर C, फिर CL ब्रांच में आ गया, C2H5 भी ऊपर चला गया, C2H5 भी ऊपर चला गया, फिर CH2 है, फिर CH3 है. अब बेटा इसमें भी सबसे पहले लॉन्ग चेन आइडेंटिफाई करना है. जो स्ट्रेट वाला है वो लॉन्ग चेन नहीं है. ठीक है, एग्जैक्टली,
यहाँ पे कार्बन नंबर 2, 3, 4, 5 ठीक है। तो अब इसका इसका नाम चाहिए यशिका, व्हाट विल बी द नेम ऑफ दिस कंपाउंड बेटा? ओके तब तक अदर्स ऑल्सो डू, यशिका को पूछा है तो इसका मतलब पता चला बाकी सब बैठे ही है। हाँ बिल्कुल सही, 3-chloro-3-methyl-pentane ठीक है, एंड अल्फाबेटिकल ऑर्डर भी मैच है। ओके सो एवरीवन इज क्लियर विद दिस, 3-chloro-3-methyl-pentane। हेलो गाइस, ओके एट, अब एट देखो, एट में क्या है, CH3 है, CH है, डबल बॉन्ड है, C है, CL है, फिर CH2 है, ओके CH है, फिर यहाँ पे एक CH3 है और यहाँ पे CH3 है। अब ये सबसे पहला चीज हमें यही आना चाहिए कि स्ट्रक्चर में कैसे बना सके, एक नंबर, दो नंबर, तीन नंबर, चार, पांच, छह, ठीक है, या एक नंबर, दो नंबर, तीन नंबर, चार नंबर, पांच नंबर, छह नंबर। तो तेज किरत कौन सा लेंगे बेटा नंबरिंग, गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट? सर राइट टू लेफ्ट वाला। राइट टू लेफ्ट वाला क्यों लेंगे सर? उसमें सर जो उनके नंबरिंग में सर अगर हम उन दोनों पे ऐड करेंगे तो कम आ रहा है एज कम्पेयर टू ऊपर वाले में जो हम ऐड करते हैं दोनों पोजीशंस पे, तो वो सर ज्यादा है। एग्जैक्टली यही मुझे जानना था, एल्कीन को बेटा प्रेफरेंस ज्यादा मिलता है, प्रायोरिटी एल्कीन का ज्यादा है, तो नंबरिंग विल गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, नंबरिंग विल गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, नॉट राइट टू लेफ्ट, ठीक है। प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग हमें इसमें देखना पड़ेगा, अगर सेम प्रायोरिटी का हो तो वो सम रूल लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे प्रायोरिटी एल्कीन का ज्यादा है तो वी विल हैव टू गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ओके सो तेज नाम बता दो आप। 3-chloro के बाद से 5-methyl hex 2-ene। अब बेटा उस समय जो टेंशन हो रहा था आपको, अब तो नहीं हो रहा, अब आ रहा है ना समझ में? ओके नाउ वी आर एट द नाइन्थ वन, नाइन्थ वन इज एन इजी वन, 10th, 11th, 12th इज गुड वंस। ओके सो नाउ लेट्स लुक एट द नाइन्थ वन, नाइन्थ में हमारे पास है CH3, फिर CH के साथ डबल बॉन्ड के साथ CH है, फिर C के साथ BR है और फिर दो CH3 है, तो ये ऐसे हो गया, ठीक है। अब बेटा अगेन डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी मिलेगा, डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी मिलेगा तो नंबरिंग इधर से ही चलेगा, क्योंकि दूसरे साइड से नंबरिंग करेंगे तो 3 पे वो आ जाएगा, ठीक है। तो अब आई वॉन्ट टू गो टू स्मृति, स्मृति बेटा इसका नाम क्या होगा? एक बार फिर से देखो, 1 पे ब्रोमो नहीं दिख रहा मुझे, पेंट फिर से देखो, 3-ene या कितना इन? पहले वाला सही है बेटा, आपका 4-bromo-4-methyl इज बिल्कुल सही। ओके अब पेंट पे नंबर देखो कितना आना चाहिए, इट स्टार्ट्स फ्रॉम विच कार्बन? सेकंड कार्बन, 2। यस ठीक है, पेंट 2-ene ठीक है, एवरीवन फाइन विद दिस? इस बार पता है मैं आयुपैक पे ज्यादा जोर क्यों दे रहा हूँ, जनरली 2 मार्क्स का है मेहता जी सुनना, लेकिन हमारा
वन मार्कर क्या कर दिया इस बार, ज्यादा कर दिया। पहले वन मार्कर होता था सिर्फ 5 to 10% ऑफ द पेपर, इस बार वन मार्कर कितना है 40% ऑफ द पेपर। अब अगर 40% ऑफ द पेपर में वन मार्कर है तो आयु पैक 2 मार्क्स से थोड़े ज्यादा आने के ही 5 to 6 मार्क्स तो ठीक है ना। अब बेटा टेंथ, टेंथ इज अ वंडरफुल क्वेश्चन, लेट्स लुक एट टेंथ एंड लेट्स सी हु कैन डू इट। सबसे पहले C6H4 का मतलब बेंजीन होता है, C6H4 इज अ बेंजीन, पैरा पोजिशन पे क्लोरीन है ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे CH2 है, CH है, फिर CH3 है एंड अ CH3। नाउ गाइस, नाउ दिस, अब ये वाला मुझे पूरा का पूरा करना पड़ेगा। ये बेटा कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, ये पूरा एक ब्रांच है और ये एक ब्रांच है। अब ऐसे ग्रुप्स को सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स कहते हैं जहां पे बेंजीन में भी 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर पे क्लोरो है ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 ब्रैकेट पे 4 क्लोरोफिनाइल, 4 क्लोरोफिनाइल, फिर 2 मिथाइल, 2 मिथाइल प्रोपेन ठीक है। फिर से देखना, 1 नंबर कार्बन पे ये जो ब्रैकेट से मैंने बनाया है ब्रांच है, उस ब्रांच में भी 4 नंबर पे एक ब्रांच है, तो वैसे नाम को क्या करते हैं, ब्रैकेट में डालते हैं। तो मेन ब्रांच के कार्बन नंबर 1 पे, सेकेंड ब्रांच के 4 नंबर कार्बन पे क्लोरीन है और ये जो बेंजीन का रिंग हुआ वो फिनाइल हो गया। अब लॉन्ग चेन के 2 नंबर कार्बन पे मिथाइल है, सो 2 मिथाइल हो गया। लॉन्ग चेन में 3 कार्बन है तो इट बिकम्स अ प्रोपेन ठीक है। हाय गाइस, किसी का आवाज नहीं आया बेटा, ऊपर से गया ठीक है। मुझे एक्चुअली में ना मुझे लगा नहीं था कि आई वुड नीड सच अ लॉट ऑफ टाइम विथ यू ऑल ऑन आयु पैक, इसलिए मैंने 4-5 चीज आज मुझे लगता है आयु पैक ही होगा। फिर से देखो बेटा फिर से देखो, हमें क्या दिया है, हमारे पास है पैरा पोजिशन पे क्लोरीन, पैरा पोजिशन पे क्लोरीन है ठीक है सर। एक डाउट है मुझे। हाँ जी बेटा। सर ऐसा हो सकता है कि हम ऐसे नाम देते हैं नंबरिंग, तो बाद में तो ऐसे लिख देंगे 4 क्लोरो 1 प्रोपेन 2, क्या मतलब 2 मिथाइल 1 प्रोपेन बेंजीन, ऐसे कुछ हो सकता है ना? ना, रिमेम्बर क्लास 11th में ऐसे आपके 2 क्वेश्चंस थे ठीक है। अब बेटा फिर से देखो, फिर से कार्बन नंबर 1 विल स्टार्ट फ्रॉम द बेंजीन रिंग इटसेल्फ, कार्बन नंबर 1 2 3 ठीक है। अब बेंजीन के भी 4 नंबर कार्बन पे क्लोरीन है, बेंजीन के भी 4 नंबर कार्बन पे क्लोरीन है ठीक है। तो सबसे पहले इसको नाम देते हैं, इसका नाम क्या होगा, 4 क्लोरोफिनाइल। बेंजीन जब भी ब्रांच में आता है तो उसे फिनाइल कहते हैं। अब ये 4 क्लोरोफिनाइल लॉन्ग चेन के कौन से कार्बन पे है, फोर्थ नंबर पे, ए लॉन्ग चेन के 1 नंबर पे है। क्लोरीन की बात है? नहीं बेटा, क्लोरीन को तो नंबर दे दिया, 4 क्लोरो लिख दिया। ये लॉन्ग चेन है, ये वाला हमारा लॉन्ग चेन है, दिस इज द लॉन्ग चेन। लॉन्ग चेन के कार्बन नंबर 1 पे है ना। अब
लॉन्ग चेन के कार्बन नंबर टू पे एक और ब्रांच है, लॉन्ग चेन के कार्बन नंबर टू पे एक और ब्रांच है, टू मिथाइल। अब लॉन्ग चेन में तीन कार्बन है, प्रोपेन। आया आप समझ में? यस सर। एवरीवन इस, हाँ बेटा, जो स्ट्रेट चेन है ना उसको प्रेफरेंस मिलेगा अंटिल एंड अनलेस एक ही कार्बन ऊपर हो, ठीक है। कुछ कुछ क्वेश्चंस में हम बेंजीन को प्रेफरेंस देते हैं, लेकिन 90% क्वेश्चंस में हम किसको प्रेफरेंस देंगे? वी विल गिव प्रेफरेंस टू द लॉन्ग चेन। किसको? हाँ जी बेटा बोलो। क्लोरीन से नंबरिंग, फिर बेटा हमारे पास क्या हो जाता? अगर आप क्लोरीन से नंबरिंग शुरू करोगे तो हमारे पास देखना क्या हो जाएगा, द नेमिंग विल गेट मोर कंफ्यूजिंग। क्लोरीन, ठीक है, तो हमने यानी कि रूट नेम बेंजीन लिया है, रूट नेम हमने क्या लिया है? बेंजीन लिया है। बेंजीन पे वन पे क्लोरीन है, तो वन क्लोरो बेंजीन। अब यहां पे बेटा ये सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप हो गया, CH2, CH, CH3, CH3। तो ये जो ब्रांच है वो चार नंबर पे है, ये जो ब्रांच है वो चार नंबर कार्बन पे है, चार नंबर कार्बन पे ब्रांच को हम क्या करेंगे? लॉन्ग चेन क्या है? एक दो तीन, तो दो नंबर पे मिथाइल है, दो नंबर पे मिथाइल है, लॉन्ग चेन में तीन कार्बन है, तो उसे लिखेंगे प्रोपाइल, ठीक है। सो हाउ विल द नेम गो? द नेम विल गो एज नाउ, इफ यू राइट द नेम इन दिस मैनर, सो द नेम विल बी फोर ब्रैकेट टू मिथाइल प्रोपाइल वन क्लोरो बेंजीन, यानी कि द होल नेम आई एम राइटिंग इट फॉर यू ऑल वंस मोर, फोर टू मिथाइल प्रोपाइल, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, वन क्लोरो बेंजीन, ठीक है। सर यस सर, जो आपने पहले नाम लिखा था ये वाला, दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं ना? दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं, क्योंकि इसका प्रायोरिटी दिया नहीं है, ठीक है। ओके, अब 11th पे उसका कोई रूल ही नहीं दिया है बेटा। जनरली व्हाट इज फॉलोड इज, अगर हमारे पास ऊपर वाला नेमिंग लिखना कौन सा इजी होगा उसके अकॉर्डिंग चलते हैं, नंबर वन। नंबर टू, जनरली जहां पे ऐसे डाई फंक्शनल ग्रुप्स ना हो, अगर मतलब मान लो क्लोरीन ना हो, ठीक है, सिर्फ ऐसा हो, तो उसमें चेक करते हैं नंबर ऑफ कार्बन। जैसे इसमें तीन कार्बन है, बेंजीन में छह कार्बन है, तो बेंजीन को हम रूट नेम बनाते हैं, ठीक है। एज सच अगर आप रूल देखोगे तो एज सच कोई रूल दिया नहीं है इसका कि कब हम इसे यूज करें और कब उसे यूज करें, ठीक है। ओके, सो नाउ लेट्स गो, क्योंकि 9th वाला भी सिमिलर क्वेश्चन है। ये मिट क्यों नहीं रहा? अच्छा इधर मिट रहा है, ये मिटा दे। ओके, सो लेट्स मेक द स्ट्रक्चर ऑफ द 9th क्वेश्चन। नाउ 9th में हमारे पास है, कहाँ गया, बेंजीन का रिंग है, और फिर हमारे पास यहाँ पे CH2Cl मेटा पोजीशन पे है, मेटा 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 ऑर्थो मेटा, ओके। सो मेटा पोजीशन पे CH2Cl है, और फिर हमारे पास यहाँ पे CH2 है, C है, CH3 तीन बार है, ये ऐसे बन गया, ठीक है।
Now let's look at how to name it. Okay, let's look at how to name it. 1, 2, 3. ठीक है, ये 1, 2, 3 हो गया. अब ये यहां पे 1, 2, 3 ठीक है, और उस पे भी हमारा क्लोरीन का ब्रांच है. ठीक है, तो अब इसमें या तो आप ऐसे चलो या बेंजीन को लॉन्ग चेन लो रूट नेम और ऊपर वाले को कर दो, आप उसमें डाल दो. तो दैट वुड बी, अब देखना अगर ऐसे नाम लिखोगे तो क्या हो जाएगा. 3 नंबर पे क्लोरोमिथाइल है, 3 नंबर पे क्लोरोमिथाइल है, बेंजीन ब्रांच में है तो फिनाइल है, बेंजीन ब्रांच में है तो फिनाइल है. उसके बाद से 2.2 डाइमिथाइल है और प्रोपेन है. ये एक तरीके से नाम हो गया. अगर आप कहते हो कि नहीं मुझे बेंजीन पे लेना है, ठीक है, तो देखना बेंजीन पे लेने पे क्या मुश्किल होगा. इसमें बेंजीन पे यहां पे भी एक है और यहां पे भी एक ब्रांच है. ठीक है, तो अगर हम रूट नेम बेंजीन ले तो 3 नंबर पे हमारा क्या है, क्लोरोमिथाइल है. ओके, 3 नंबर पे क्लोरो मिथेन क्यों कहेंगे बेटा. अच्छा, मिथाइल, क्योंकि मिथाइल पे भी एक ब्रांच है. ठीक है ना, तो हमारा क्या हो गया, ये 3 नंबर हो गया. 1 नंबर पे फिनाइल आ गया. हाँ, 1 नंबर पे, 1 नंबर पे ब्रैकेट करके यहां पे 2 पे ब्रैकेट आ जाए, नहीं इस पे, हाँ इस पे भी ब्रैकेट आ जाएगा. हाँ, एक बार फिर से कर रहा हूं. ये इसको ब्रांच में लिया 1 नंबर पे, ये 3 नंबर पे, 1 नंबर पे हमारा क्लोरोमिथाइल है, ये भी ब्रैकेट में आएगा. और फिर 3 नंबर पे 1, 2, 3 है, तो 2.2 डाई मिथाइल प्रोपाइल. ठीक है, एंड देन बेंजीन. ठीक है, तो ये एक नाम हुआ. ठीक है, अब आप खुद ही देख लो विच वन वॉज इजियर फॉर यू टू राइट, विच गिव्स यू द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑल्सो. हमने किया था 3 ब्रैकेट के अंदर आएगा 1, 2, 3. तो वी हैव इट हियर, दिस इज अवर लॉन्ग चेन. लॉन्ग चेन में 3 नंबर पे 3-chloromethyl फिनाइल, ये बेंजीन इसी में आ गया ब्रांच में. उसके बाद से 2.2 डाई, यहां पे भी था एक CH3, 2.2 डाई मिथाइल प्रोपेन. ओके, सो दिस इज हाउ यू राइट द नेम. ठीक है, ये नहीं जा रहा, यही बना लेता हूं लास्ट वाला. 12th वाला तो इजी है, 12th वाला इज प्रिटी इजी. आपके पास बेंजीन, ये 1, 2 ब्रोमो फिनाइल, 1 प्रोपेन, लेट्स चेक. आई एम नॉट श्योर, या कुड बी बेटा. CH इज देयर एंड देन CH3 इज देयर and then a CH2, CH3. हाँ, कहो बेटा, what did you say? So, 1, then in bracket 2 bromophenyl, फिर 1 methyl propane. 2, हाँ जी बेटा. I'm getting 2
ब्रैकेट टू ब्रोमोफिनाइल ब्यूटेन हाँ टू वुड बी द करेक्ट वन बिकॉज दिस लॉन्ग चेन इज लाइक दिस कार्बन नंबर वन कार्बन नंबर टू कार्बन नंबर थ्री कार्बन नंबर फोर सो इट इज अ टू ब्रोमोफिनाइल ब्यूटेन So would there be any dash after ending the bracket? No. After the bracket, there is no dash. Theek hai? Everyone is fine with this now? Yes, sir. Okay, so let's go to an easy one so that you'll get your confidence back. We have to make the structures of this one. This should not take you any time because structures also come for one mark. Tell this a structure bana do. So, pehla wala hai pentane. 1, 2, 3, 4, 5. Teen number pe methyl. और दो नंबर पे क्लोरो सो CH3, CH, CH, CH2, CH3 चेक गाइस चेक द आंसर्स आल्सो आई एम डूइंग इट विथ यू ऑल सो वी हैव अ बेंजीन ओके एंड देन वी हैव क्लोरीन एंड पैरा पोजिशन पे ब्रोमीन ठीक है थर्ड वाला है साइक्लोहेक्सेन साइक्लोहेक्सेन में वी मेक द हेक्सागन एक नंबर पे क्लोरीन है चार नंबर पे इथाइल है सर आपने तीन नंबर पे बना दिया अरे तीन नंबर चार नंबर पे शाबाश उसके बाद से है हमारा रूट नेम है ऑक्टेन ऑक्टेन वुड बी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एक नंबर पे आयोडो है एक नंबर पे आयोडो है दो नंबर पे दो नंबर पे क्लोरीन है सो टू पे टू क्लोरोफिनाइल सो CH3, CH2, 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 CH, and CH2. So this is our fourth question. The fifth one was 1, 2, 3, 4. Do number pe bromine hai. So CH3, CH, CH2, CH3. Fir sixth question ho gaya heptane. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Char number pe tert butyl hai. So tert butyl is written like this. Char number pe tert butyl ho gaya. And teen number, ye char number pe kahan banaya? Maine teen number pe bana diya tert butyl. Teen number pe to iodine hai. Char number pe टर्ट ब्यूटाइल है ये CH3 और ये CH3 ठीक है सो CH3, CH2, CH2, CH, H, CH2, CH3 ठीक है चेक द आंसर्स गाइस ऑल डन एनीवन हैविंग एनी डाउट्स नो डाउट्स ओके So we break for 10 minutes. 8:50 ho raha hai. Be fresh and come back. Because frankly speaking, I'll take 30 seconds of your time. Okay. We will not go ahead. Ek hi baar sare questions saath mein nahi denge. To aa gaya hamare paas. Okay. Simple wala hai. CH3. OH ka naam kya hoga? ओके सो साथ में एवरीवन टुगेदर ये कहां भाग रहा है वीडियो ऑफ किया नहीं किया मैंने अपना ऑफ है सर ऑफ है हां जी सर एक सेकंड कहां पे गड़बड़ हो रहा है फिर अच्छा बैटरी डाउन है
लैपटॉप का. ओके दिलीप ठीक है. ओके द फर्स्ट वन इज सी एच थ्री ओ एच, यू ऑल टोल्ड मी द नेम इज मिथेनॉल. सेकेंड वन बेटा जब तक ये थोड़ा सा चार्ज हो जाए, सी एच थ्री सी एच टू सी एच टू ओ एच का नाम क्या होगा? प्रोपेनॉल. ठीक है, सी एच थ्री सी एच के ब्रांच में ओ एच सी एच थ्री, इसका नाम क्या होगा? सी एच थ्री सेकेंड इज सी एच. वेरी गुड. ओके परफेक्ट. सो सी एच थ्री सी सी एच, ये भाग ही जा रहा है, अरे ना. ओके थर्ड वाला बेटा, सी एच थ्री सी एच टू सी एच टू सी एच टू ओ एच. ब्यूटेनॉल. ब्यूटेनॉल ठीक है. अरे सॉरी, मैंने चार्जिंग पे तो लैपटॉप को लगाया नहीं, कहां से वो करेगा काम देगा, अब होगा ना चलेगा. ओके ना उसके बाद से बेटा सी एच थ्री सी एच पे ओ एच सी एच टू सी एच थ्री. ब्यूटेन. एक्जेक्टली, फिर से अब ये चला जाएगा, ये चला जाएगा, अब लिखेगा ऐसे था बेटा सी एच थ्री सी एच यहाँ पे ओ एच सी एच टू सी एच थ्री, क्या नाम बोला? ब्यूटेन टू ऑल. ओके परफेक्ट. ओके उसके बाद से बेटा अब है हमारे पास सी एच थ्री सी एच पे सी एच थ्री है, फिर सी एच टू है ओ एच है, अब इसका नाम क्या हो जाएगा? ओके अब इसमें जब प्रोपेन वन ओल लिखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? प्रोपेन का ई गायब हो जाएगा. ठीक है. यस सर. ओके नाउ दिस वन, ये है हमारा सी एच थ्री सी सी एच थ्री यहाँ पे भी और यहाँ पे भी सी एच थ्री और ये बेटा ओ एच, अब इसका नाम क्या हो जाएगा? शाबाश, लॉन्ग चेन सही डिसाइड किया. कार्बन नंबर वन, कार्बन नंबर टू, कार्बन नंबर थ्री. सो इट इज अ टू मिथाइल प्रोपेन प्रोपेन टू ओल. परफेक्ट बेटा, शाबाश. ओके नेक्स्ट वन, नेक्स्ट वन इज यहाँ पे सी एच टू यहाँ पे सी एच टू यहाँ पे ओ एच यहाँ पे ओ एच, क्या हो जाएगा इसका नाम? एग्जैक्टली इथेन. अब इसमें ई आ जाएगा, इथेन का ई आ जाएगा, 1.2 डाइऑल. डाइऑल ठीक है. सबकी आवाज आ रही है? बिल्कुल बेटा, सबकी आवाज आ रही है. सी एच टू सी एच सी एच टू है यहाँ पे बेटा, ओ एच यहाँ पे ओ एच यहाँ पे ओ एच, इसका नाम क्या हो जाएगा? हाँ यही तो चाहिए था मुझे उस समय सुबह, मुझे लग रहा है यानी कि आधे से ज्यादा आप लोग सोए पड़े थे इसीलिए नहीं कर पा रहे थे. ओके नाउ बेटा अब ये हमारे पास ये है ओ एच, अब इसका नाम क्या हो जाएगा? साइक्लोहेक्सेनॉन. अब एन ई चला जाएगा, ओ एल आ गया. ओके साइक्लोहेक्सेन सही तो है, स्लाइको लिख दिया. दिस एल विल कम हियर सी विल गो हियर. ओके सो आई एम सफरिंग फ्रॉम वो क्या कहते हैं जो ऐसे कर जाते हैं. ओके नाउ डिसलेक्सिया, आई एम सफरिंग फ्रॉम डिसलेक्सिया. ओके ओ एच सी एच थ्री, इसका नाम? एग्जैक्टली टू मिथाइल साइक्लोपेंटेनॉल. ओके तो मिथाइल ओके एंड साइक्लो, अब सही है, पेंटेन वन ओल. ओके ना अब बेटा नेक्स्ट वन, नेक्स्ट वन आते हैं बेंजीन पे ओ एच होगा तो उसके दो नाम होते हैं. बेंजीन पे ओ एच है तो उसके दो नाम होते हैं, क्या होते हैं दो नाम? फिनॉल या बेंजीनॉल. ओके
बेंजीनॉल लिखोगे तो एंड का ई चला जाएगा, ओ एल आ जाएगा, ठीक है. बट फिनॉल इज ऑल्सो एन एक्सेप्टेड वन, फिनॉल भी हमारा एक्सेप्टेड होता है. ओके, अब ये प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस से क्या लेना देना, मेल क्यों आया जा रहा है. ओके, नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन. हमारे पास है, कहां गया वो डॉक्यूमेंट, ये बेंजीन रिंग पे बेटा, बेंजीन रिंग पे ओ एच है और फिर सी एच थ्री है, इसका नाम क्या हो जाएगा. टू मिथाइल फिनॉल, परफेक्ट. ओके, अब नेक्स्ट वन बेटा, हाँ बेंजिनॉल लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं. अब बेटा अगर हाँ और तो लिख सकते हैं. ओके, एक्सेप्टेड है. अब ओ एच यहाँ पे है, ओ एच यहाँ पे है, अब फिनॉल नहीं लिख सकते. वेरी गुड, बेंजीन वन टू डायोल, ठीक है. तो yes, ये हो गया हमारे उसके अल्कोहल्स के. अब जब इथर के नाम लिखते हैं, एक बार फिर से लेट रिफ्रेश योर मेमोरीज. जब इथर के नाम लिखते हैं तो इसका नाम होता है बेटा अल्कोक्सी एल्केन. द नेम इज गिवन एज अल्कोक्सी एल्केन. एल्कोक्सी में जो एल्क होगा दैट इज द शॉर्ट चेन, एल्केन में जो होगा दैट वुड बी द लॉन्ग चेन, ठीक है. तो अब बेटा इसमें दोनों में सेम नंबर ऑफ कार्बन है, तो किसी को भी कुछ भी ले लो, क्या नाम हो जाएगा. परफेक्ट. ओके, मिथॉक्सी मिथेन. ओके, उसके बाद से अब बेटा नेक्स्ट वाला, नेक्स्ट वाला भी दोनों साइड से सेम ही है, अब इसका नाम क्या हो जाएगा. मिथॉक्सी इथेन. ऐसे को कहते हैं सिमेट्रिकल, लेकिन अब ये ऐसे आ गया, अब इसका नाम क्या हो जाएगा. मिथॉक्सी प्रोपेन. दीज आर नोन एज अनसिमेट्रिकल इथर्स, ठीक है. अब बेटा ये ऐसे ऐसे आ गया C6H5OCH3. एग्जैक्टली, मिथॉक्सी बेंजीन, ठीक है, एनिसोल. एग्जैक्टली, द कॉमन नेम इज एनिसोल, इस नाम से भी आता है. ओके, नेक्स्ट वन आपके पास आ गया C6H5OC2H5. अब इसका नाम क्या हो जाएगा. परफेक्ट. ओके, परफेक्ट. ओके, अब आ रहा है ना मजा काम करने में. अब नेक्स्ट वाला बेटा, अब हमारे पास है C6H5O, उसके बाद से CH2 छह बार दिया है एंड देन एक CH3. अब इसमें क्या हो जाएगा. फिनॉक्सी, यस, फिनॉक्सी हेप्टेन. वेरी गुड. ओके, अब बेटा हमारे पास है CH3O यहाँ पे, CH ऐसे, CH3 यहाँ पे, CH3 यहाँ पे, तो अब इसका नाम क्या हो जाएगा. एग्जैक्टली, टू मिथॉक्सी प्रोपेन. आप किया ना लॉन्ग चेन आइडेंटिफाई ठीक से. ओके, सो टू मिथॉक्सी प्रोपेन. नाउ नेक्स्ट वन इज वी हैव अ C6H5 हियर, ओ हियर, एंड देन वी हैव अ CH2, CH2, CH, CH3 एंड CH3. अब इसका नाम क्या हो जाएगा. ये बेटा देखना, आप इसको क्या करो, ये कार्बन नंबर वन बेटा, ये कार्बन नंबर टू, ये कार्बन नंबर थ्री, तो लॉन्ग चेन तीन कार्बन का हो गया तो प्रोपेन हो गया. दो नंबर कार्बन पे हमारा ब्रांच है, कोई किस चीज का ब्रांच है दो नंबर कार्बन पे, मिथॉक्सी का. आ गया बेटा. ओके, अब ये वाला कौन बताएगा.
ए टू मिथाइल काहेड़ा भैया? O3 हाँ ठीक है ना, मिथॉक्सी को प्रायोरिटी मिलेगा, फिनॉक्सी को प्रायोरिटी मिलेगा। सो थ्री मिथाइल एक नंबर पे क्या है? एक नंबर पे फिनॉक्सी है। ओके एंड लॉन्ग चेन में कितने कार्बन आ गए? चार। ब्यूटेन, अब इसमें गाइस किसी को पूछना है? हाँ बेटा पूछे। जो आपने कहा था एल्कोक्सी वाला टर्म होगा सर, वो तो शॉर्ट चेन होगा, तो इसी हिसाब से ब्यूटॉक्सी होना चाहिए था, तो बेंजीन या जो भी होगा। बेंजीन बेटा साइक्लिक हो गया ना, बेंजीन क्या हो गया? ये अच्छा ऐसे हो गया, अगर मैं इसका प्रॉपर स्ट्रक्चर बनाऊं तो ये बेंजीन ऐसे हो गया और ये ऐसे हो गया, देखो ठीक है। ओके सर, तो प्लस इसमें सर हम अगर अगर ब्यूटेन ब्यू भरेंगे। ब्यूटॉक्सी के तरीके से नेम करोगे तो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप भी बन जाएगा, क्योंकि ब्रांच में ब्रांच है, ठीक ओके सर, है ना। नेक्स्ट वाला हमारे पास है, बीच में CH2 है, CH2 है, इधर पे OCH3 है, इधर पे OCH3 है। अब ये कार्बन नंबर एक, कार्बन नंबर दो, कार्बन नंबर दो पे ये ग्रुप है, कार्बन नंबर वन पे ये ग्रुप है, क्या नाम हो जाएगा? 1.2 ए शाबाश, ठीक है। सो 1.2 डाइमिथॉक्सी इथेन। डाइमिथॉक्सी ओके ना, नेक्स्ट वन है हमारे पास हेक्सागन। हेक्सागन में यहाँ पे है CH3, यहाँ पे है CH3 और यहाँ पे OCH3। अब इसका नाम डायमिथाइल 2-methoxyhexane। साइक्लोहेक्सेन, वेरी गुड। 1.1 डाइमिथाइल 2-methoxy 2-methoxy साइक्लोहेक्सेन, ठीक है गाइस? यस ओके ना, अब आ रहा है, अब थोड़ा सा चल रहा है अच्छे रिदम पे। यस सर, अब चलते हैं नेक्स्ट पे, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। सो दिस पेज इज डन। ओके हमारे पास दिया है एक दो तीन। ओके ऐसे CH3 CHCl CH2 CH2OH, अब इसका नाम क्या होगा? 3-chloro-butanol। आई शाबाश, एक नंबर, दो नंबर, तीन नंबर, चार नंबर, एक नंबर आ रहा है समझ में? थ्री क्लोरो ब्यूटेन वन ऑल या सिंपली ब्यूटेनॉल लिख दो, इट इज अंडरस्टूड दैट इट इज देयर ना। ये है CH3, अब फिर से इसमें ध्यान से करना CH3। हाँ जी बेटा, इफ इफ ओ एच सी इफ ओ एच से ज्यादा प्रायोरिटी वाला आ गया, जैसे कि ये बेटा CH3 CH, यहाँ पे ओ एच हो गया और ये COOH हो गया। नाउ नाउ अल्कोहल विल बी रिटन एज हाइड्रोक्सी, सो टू, ठीक है ना, टू हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड, ठीक है। ओके अब बेटा इसका इसका बताओ क्या होगा? टू इथॉक्सी प्रोपेन। अब आ गया ना लॉन्ग चेन आइडेंटिफिकेशन। सो वार्म अप था सुबह, टू इथॉक्सी प्रोपेन, सबको आ गया बेटा? किसी को भी कहीं पे भी डाउट आएगा पूछना, ठीक है? प्लीज डोंट स्टे एज अ म्यूट स्पेक्टेटर। ओके नेक्स्ट वन है हमारे बेंजीन भाई साहब है,
बेंजीन भाई साहब पे यहाँ पे ओ एच है, यहाँ पे सी एच थ्री है, यहाँ पे सी एच थ्री है, अब इसका नाम बताए। एग्जैक्टली, शाबाश, इट इज 2.6 डाई मिथाइल बेंजिनोल या फिनॉल। बेंजिनोल लिख दो या फिनॉल। ओके, नाउ नेक्स्ट वन, नेक्स्ट वन हेक्सागन विदाउट द डबल बॉन्ड्स। ओके, एंड देन वी हैव NO2 हियर एंड वी हैव OC2H5 हियर। अब क्या नाम हो जाएगा? ये कहा आप लोगों ने? 1 नाइट्रो 2 इथॉक्सी साइक्लोहेक्सेन, ये कहा? और मैं कह रहा हूं गलत है? एग्जैक्टली, 1 इथॉक्सी 2 नाइट्रो साइक्लोहेक्सेन। अब सही है, ठीक है, तो ये हो गया हमारा। अब नेक्स्ट, नेक्स्ट पे आते हैं, 1 2 3 4 5 6। ओके, तो 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे CH3Cl है, यहाँ पे OH है, और यहाँ पे आई नहीं, ये भी अब सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप वाला है, CH2OH है, एंड देन वी हैव अ CH3। ठीक है, अब बेटा इसको देखना, इसको साथ में करते हैं, क्योंकि एक तो फंक्शनल ग्रुप आना चाहिए, ठीक है, एंड कौन सा फंक्शनल ग्रुप आना चाहिए? जो हायर प्रायोरिटी वाला फंक्शनल ग्रुप है वो आना चाहिए। अब इसमें अगर हम नंबरिंग यहां से शुरू करें, 1 2 3 4 5, तो ये एक लॉन्ग चेन हुआ, 1 2 3 4, ये दूसरा लॉन्ग चेन हुआ, तो कौन सा लॉन्ग चेन लेंगे? ठीक है, 5 वाला लेंगे, तो इसे मिटा दिया। अब बेटा रूट नेम, जब भी फंस जाओ ना, जब भी फंस जाओ तो सबसे पहले आप रूट नेम पे जाओ, पेंट, सब में सिंगल बॉन्ड है एन, ये मेरा आ गया एक चीज। अब एक नंबर पे ओल है, 3 नंबर पे क्लोरो मिथाइल है, 2 नंबर पे मेरे पास ये कार्बन नंबर 1 हो गया, कार्बन नंबर 2 है, तो 2 नंबर पे 1 मिथाइल इथाइल है, ठीक है। तो ऐसे अगर आप एक एक पार्ट को ब्रेक करके लिख लोगे और उसके बाद से नाम लिख दो, तो नाम क्या हो जाएगा? 2 1 मिथाइल इथाइल, ठीक है, फिर उसके बाद से 3 क्लोरो मिथाइल, और फिर नाम क्या हो जाएगा? पेंटेन ओल, ठीक है। आया बेटा ये समझ में कैसे? हाँ जी बेटा, एक और बारी मैं मिटा रहा हूं इसे फिर से, अब आप लोग मेरे साथ करोगे, ठीक है, लेट्स डू इट टूगेदर सो दैट वी गेट द हैंग ऑफ इट वेल। अब बेटा सबसे पहले कितने कितने कार्बन का लॉन्ग चेन है? 5 कार्बन का नाम किससे शुरू होता है? पेन, ठीक है। अब बेटा सब में सिंगल बॉन्ड है तो एन हो गया। अब एक नंबर कार्बन देखो, एक नंबर कार्बन पे क्या है? ओल है। 2 नंबर कार्बन पे क्या है? एक ब्रांच है, ब्रांच का लॉन्ग चेन क्या है? एग्जैक्टली इथ, और उसके भी 1 नंबर पे मिथाइल है, सो मिथाइल इथाइल,
ये आ गया समझ में? यस सर। तीन नंबर पे क्या है? मिथ के साथ क्लोरो है, तो इसे कहेंगे क्लोरोमिथाइल। ठीक है, अब पूरा पूरा नाम लिख दो। 2,1-methylethyl, 3-chloromethyl, pentane 1-ol। ठीक है सर, पहले क्लोरोमिथाइल लिखेंगे ना? हाँ, पहले क्लोरो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। हाँ, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में चलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट। हाँ जी बेटा। सर यस, वो आपने सेकंड नंबर में 1-methylethyl लिखा है, हाँ, उसके जगह प्रोपाइल लिखेंगे? आइसोप्रोपाइल, इट इज नॉट प्रोपाइल, इट इज एन आइसोप्रोपाइल। बिकॉज अगर मैं प्रोपेन के अकॉर्डिंग देखूं बेटा, प्रोपेन के अकॉर्डिंग देखूं तो ब्रांच इज ऑन द सेकेंड कार्बन, सेकेंड कार्बन से ये ब्रांच बना है, तो इसे इसे अगर कॉमन नेम में कहा जाए तो कॉमन नेम में इसका नाम क्या हो जाएगा? आइसोप्रोपाइल। ठीक है बेटा, मतलब ये नहीं लिख सकते सेकेंड टू आइसोप्रोपाइल तो नहीं लिख सकते हो? ठीक है, सो इंस्टेड ऑफ राइटिंग 2,1-methylethyl यू कैन राइट इट एज 2-isopropyl। ठीक है, ओके, सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये हो गया। ओके, ये कितने कार्बन है? 1, 2, 3, 4, 5, 6। 1, 2, 3, 4, 5, 6। यहां पे भी CH2OH है, यहां पे OH है, और उसके बाद से यहां पे CH3 है। सो CH3, CH, CH2, CH, CH, CH3। अब बेटा इसका इसका लॉन्ग चेन करेंगे, तो लॉन्ग चेन विल स्टार्ट फ्रॉम हियर, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो रूट नेम में क्या आ जाएगा? हेक्स। सब में सिंगल बॉन्ड है, एन। एक नंबर और तीन नंबर पे ओल है, तो 1,3 डायोल। पांच नंबर पे एक कार्बन का चेन है, मिथाइल। अब 5,2 डायमिथाइल होगा। हाँ, 2,5-dimethyl होगा। क्यों? 2 पे भी तो है। हाँ, एग्जैक्टली। अब इसका नाम बता दो, बताना। 1,3-hexane। अब ई नहीं आएगा, नहीं ई आएगा, 1,3-diol। ठीक है ना? So make it simple. Yes, sir. Don't try to name it at once. ठीक है? जब भी when you are confused कि क्या होगा, break it down to the root names, the suffixes and the prefixes. This one is an easy one. What will be its name? Phenol नहीं है. ठीक है, अब सही है। ठीक है, फिनॉल में डबल बॉन्ड आना चाहिए। ठीक है, सो दिस इज व्हाट हैपेंस इन द बोर्ड्स आल्सो। स्पीड में जब हम कर रहे होते हैं तो इट हैपेंस, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ओके, 1, 2, 3, 4, 5, 6 डबल बॉन्ड है, ओ एच है, तो ये हो जाएगा CH2, ये हो जाएगा CH, CH, CH2, CH2, CH3। नंबरिंग करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ओके, व्हाट वुड बी द नेम? लेफ्ट टू राइट। सो हेक्सीन, हेक्स, बिल्कुल सही। 1 इन 3
फोर बिल्कुल। अब वन पे इन लिखने की जरूरत भी नहीं है, अगर वन पे अगर वन नहीं लिखा तो इट इज अंडरस्टूड दैट इन विल बी इन द फर्स्ट कार्बन। ओके नेक्स्ट वन, अब बचवा है सी एच थ्री सी, फिर सी एच थ्री डबल बॉन्ड सी एंड देन बी आर एंड देन सी एच टू ओ एच। ये मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूं, आप लोग करो और एक बार आई एम जस्ट टेकिंग अ मिनट्स ब्रेक एंड कमिंग। ओके व्हाट्स द नेम? शाबाश, सो टू पे ब्रोमो है, ओके थ्री पे मिथाइल है एंड अल्फाबेटिकल ऑर्डर भी चल रहा है, देन ब्यूट है, ब्यूट के टू पे इन है एंड वन पे ओल है, बिल्कुल सही। ओके अब ये हो गया हमारे पास, अब कहां गया नेक्स्ट वन है, ओके दिस इज डन, नाउ लेट्स गो टू कार्बोक्सिलिक एसिड्स। कहां गया कार्बोक्सिलिक एसिड्स, आ जाइए आ जाइए आ जाइए। ओके कमिंग कमिंग कमिंग, ये भी नहीं है, अरे कहाँ गया कार्बोक्सिलिक एसिड। अच्छा इसमें क्या था, अल्कोहल्स फिनॉल्स एंड इथर्स। अच्छा हमने कर तो लिया, पूरा चैप्टर खत्म तो हो गया, एल्डिहाइड्स कीटोन्स में है वो, ठीक है। अब गाइस अब हमारे पास क्या बचा, एल्डिहाइड्स कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स, ठीक है। एक बार फिर से देखना, उसका रिवीजन कर लेते हैं एंड देन विल गो टू द चैप्टर। ओके अब हमारे पास आर सी एच ओ इज एन एल्डिहाइड, its name is given as alkenal. R C double bond O R dash is a ketone, its name is given as an alkanon. And R C double bond O O H is our carboxylic acid and the name is given as alkanoic acid. ठीक है, तो सिर्फ ये वाला टॉपिक बचा है आयुपैक में। मेरा ना अभी क्लास 10 का भी शुरू होने वाला है क्लास, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसको अगले संडे लेंगे, ठीक है, और अगले संडे को एक बार ना रीड करके रख लेना, बस आई डोंट वांट यू टू डू एनीथिंग मच, बस रीड करके रख लेना चैप्टर्स को, चारों चैप्टर्स को इन द वीक रीड करके रखना है, ठीक है गाइस, हो जाएगा उतना। yes, हाँ ठीक है, तो एक बार रीड करके रख लेंगे ना, तो इट विल बी फ्रेश इन द माइंड, सो व्हाटएवर विल डू इट विल नॉट बी डिफिकल्ट, ठीक है।